हमर नाम अम्बिका सादा, हमर बाबूजी के नाम प्रमोद सादा, घर धुनसा धाम। हम अखदा 11 कक्षा में पढ़े छी। एके बाद तो मतलब हमर पढ़ाई छल छूट गेल, घर के स्थिति बहुत कमजोर भेला के कारण से हमर पढ़ाई छल छूट गेल। जुड़े जुड़े साथ में हमरा मम्मी सके जुड़े जुड़े काटे जाय पड़ छल, रोपे जाय पड़ छल, ताहि के कारण से पढ़ाई छूट गेल। कनी दिन के बाद में हमरा गाँव में ट्यूशन खुले तो मतलब हम अपने सोच ली से हम ट्यूशनों हम पढ़ सकै छी आ स्कूलो पढ़ सकै छी, घर के प्लस में कामो उम कर चाहे छी, समझि जाय तेहन हिसाब से तो ज्वाइंट कैली हम ट्यूशनों में। पढ़ते दू साल जते ट्यूशन में पढ़ली आ पढ़ के तब 6 में नाम लिखैली। 6 में नाम लिखला के बाद में दुनू करे लगली, स्कूलों करे लगली, ट्यूशनों करे लगली। तो पढ़ते पढ़ते 8 कक्षा में गेली तो हमरा हमर एज छल कते 18 बरस छल। हमरा मम्मी सब हमरा सबके छोट जाइन तो जलने बात है शादी कर दिल हमर मम्मी सब। अब शादी कला के बाद में हमरा तो पढ़ के इच्छा छल, हमर हस्बैंड पूछल से मतलब अहाँ पढ़े कह के हमू कहने रही से हम ऐसा अगाड़ी हम आरो पढ़ब। तो हमर सास ससुर तो खास करके ओते नहीं है, हमर हस्बैंड सपोर्ट कैला से पढ़ब तो पढ़ू। तो हम पढ़ लगली, स्कूल नहीं छोड़ली, पढ़ते रही। पढ़ते पढ़ते 11 कक्षा में अखन गेली हम, 10 पास करके 11 कक्षा में गेली। मतलब तो आब 11 कक्षा में गेली, आब ऐसा अगाड़ी पढ़ के लागी तो कुछ पैसा चाहिए सर। तो हम जे ट्यूशन से छोटा सा हम पढ़लिए तेने ज्वाइंट कैने छी। अखनता प्लस में बच्चा सके पढ़बै छी आ पढ़बो करै छी।